नमस्कार, मैं श्वेता आपका लुक स्मार्ट में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर पर। पंजाब के पूर्व मंत्री को ईडी आज लाएगी कोर्ट। वन घोटाले में धर्मसोत को ठेकेदार की डायरी ने फंसाया, इसमें नेताओं अफसरों के नाम। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को दो दिन के रिमांड के बाद आज संडे को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच खुलासा हुआ है कि कांग्रेस राज में वन विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में ठेकेदार की एक डायरी ने पूर्व मंत्री के बाद कई अन्य नेताओं अफसरों की भी नींद उड़ा रखी है। पता चला है कि डायरी में विभाग के अधिकारियों, नेताओं व उन लोगों का जिक्र है जिन्हें रिश्वत के पैसे जाते थे। इस डायरी का जिक्र विजिलेंस ब्यूरो ने अपने केस में किया था। वहीं अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी भी अब इन संबिंदुओं को लेकर पूर्व मंत्री से पड़ताल कर रही है। दो दिन के रिमांड में ईडी ने पूर्व मंत्री धर्मसोत की संपत्ति, प्रॉपर्टी और बैंक खातों की भी जांच की है। आज पूर्व मंत्री को कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं ईडी की कोशिश उस समय के अधिकारियों व नेताओं की भूमिका को सामने लाए ताकि कोर्ट में केस की नियमित सुनवाई हो तो ये कमजोर ना पड़े। इससे पहले उनसे हो रही पूछताछ को भी केस का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब तक मिल चुका 5 दिन का रिमांड। बता दें कि ईडी ने सोमवार को पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया था। उनको जंगलात घोटाले और आय से अधिक संपत्ति केस में पूछताछ के लिए ईडी की जलंधर यूनिट ने बुलाया था। नवंबर 2023 में ईडी ने धर्मसोत के अलावा संगत सिंह, गिल जिंजिया, जंगलात विभाग के कुछ ठेकेदारों व उनके करीबियों के घर पर रेड भी की। आज कोर्ट में सुनवाई पर टिकी नजर। ईडी धर्मसोत के करीबी और जंगलात विभाग के ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह खन्ना स्थित एक करीबी और कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। धर्मसोत को ईडी अब 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है। इस पर सभी की नजर टिकी है कि आज ईडी कोर्ट में धर्मसोत का फिर से रिमांड मांगेगी या नहीं, कोर्ट में उनके द्वारा क्या नई दलील दी जानी है, इस पर भी निगाह है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।